हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग किसी वीडियो को कंप्रेस करना सीखेंगे। इसके लिए मैं किसी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर का प्रयोग नहीं करने जा रहा हूँ। यहाँ पर जो हमारा VLC प्लेयर है, इसे मैं यूज करके आपको वीडियो कंप्रेस करके दिखाऊंगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो हमारा VLC प्लेयर है, इसका यूज हम लोग सिंपली वीडियो को देखने के लिए या फिर मूवी को देखने के लिए यूज करते हैं, लेकिन आज मैं इसे एक कंप्रेसर के तौर पर यूज करके दिखाऊंगा। एक चीज़ और बता देता हूं कि इससे जो वीडियो कंप्रेस होकर के आती है वो बहुत ही अच्छी होती है। इसे मैंने यूज किया है और मैं इसे यूज करता हूँ। साथ ही इसकी जो क्वालिटी होगी वो बहुत अच्छी होगी और साइज बहुत ही कम होगा। तो ये हमारा VLC प्लेयर एक वीडियो कंप्रेसर की तरह भी बहुत अच्छी तरह से काम करेगा। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ कि यहाँ पर मैंने एक वीडियो फाइल ले रखी है, जो कि मैंने एक रिकॉर्डिंग की है, और उसके बाद मैं इसका आप लोगों को साइज भी दिखा देता हूँ। तो प्रॉपर्टी में जाएंगे और यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि जो इसका साइज है वो 34.4 MB। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं। अब मैं इसे VLC प्लेयर के थ्रू कंप्रेस करूँगा और फिर हम लोग इसका साइज देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम इसे कंप्रेस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपने VLC प्लेयर को ओपन करेंगे और उसके बाद मीडिया पर क्लिक करेंगे। मीडिया में क्लिक करने के बाद यहाँ पर कन्वर्ट और सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर ये कुछ इस तरह का विंडो ओपन होगा। उसके बाद जिस फाइल को हमें कंप्रेस करना है उसे यहाँ पर ऐड करना होता है। तो यहाँ पर ऐड के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, उसके बाद अपने फाइल को चूज करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारी फाइल है। ओके, ये 34.4 MB की। अब इस यहाँ पर ओपन पर क्लिक करेंगे, ये हमारी फाइल यहाँ पर आ चुकी है। अब क्या करना है कि हमें कन्वर्ट और सेव के ऑप्शन में क्लिक करना है। उसके बाद ये हमारा इसकी सेटिंग है। अब मैं इसे क्या करूँगा कि यहाँ पर क्लिक करके इसकी सेटिंग को सेट करूँगा। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ और इसकी सेटिंग को सेट करते हैं। ठीक है, ये इसका फॉर्मेट है। यहाँ पर कई सारे फॉर्मेट हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसे कर सकते हैं। जहाँ पर जो वीडियो की जो सेटिंग होती है वो ज़्यादातर हमारी MP4 या AVI में होती है। तो मैं इसे सिंपली MP4 में क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर वीडियो कोडेक हम चूज करेंगे। तो वीडियो कोडेक में आप चाहें तो ऐसे रहने दें या फिर इसे थोड़ा सा और बेहतर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर MPEG-1 ना करके कोडेक को MPEG-4 कर देता हूँ। नेक्स्ट मैं ऑडियो कोडेक को लेता हूँ, तो यहाँ पर इसे भी मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर MPEG ऑडियो न लेकर के मैं इसे MP3 में डाल देता हूँ। यहाँ पर जो सैंपल रेट है मैं इसे थोड़ा सा हाई कर देता हूँ और उसके बाद ये जो सब टाइटल है इसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर क्रिएट में क्लिक करूँगा तो ये हमें बोल रहा है कि हमें प्रोफाइल का नाम बताओ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर प्रोफाइल का नेम यहाँ पर लिखेंगे। ये हमारा प्रोफाइल नेम है, तो यहाँ पर हम प्रोफाइल का नेम भी लिख देंगे। तो यहाँ पर मैं सिंपली प्रोफाइल का नेम ABC ओके लिख देता हूँ। अब यहाँ पर मैंने प्रोफाइल का नेम दे दिया है, अब मैं इसे सिंपली क्रिएट में क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब हमारी सारी सेटिंग हो चुकी है, बस अब इसमें हमें डेस्टिनेशन देना बाकी है। तो डेस्टिनेशन क्या होता है कि जहाँ पर ये हमारी फाइल सेव होगी। ओके, तो एक्सपोर्ट होने के बाद ये फाइल हमारी कहाँ पर सेव होगी वो हमें यहाँ पर इसे बताना है। तो ब्राउज करके हम उसे बता सकते हैं डेस्टिनेशन क्या है। तो डेस्टिनेशन हमारा डेस्कटॉप है, तो हमारी जो फाइल है वो डेस्कटॉप में सेव होगी। किस नाम से सेव होगी तो मैं उसे भी नाम दे देता हूँ ABC, और आप चाहें तो और भी कुछ दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 1, 2, 3 लिख देता हूँ, ABC 1, 2, 3। आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर अब मैं इसे सिंपली सेव पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर अब हमारी पूरी सेटिंग हो चुकी है। जैसे ही मैं यहाँ पर स्टार्ट में क्लिक करूँगा ये वीडियो हमारी यहाँ पर
टाइमलाइन में शो करने लगेगी कि वीडियो कंप्रेस हो रही है, और ये कंप्लीट होने के बाद फाइनली हमारी वीडियो कंप्रेस हो चुकी होगी। तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारी वीडियो कैसे कंप्रेस होती है। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारी वीडियो कंप्रेस होना स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए मैं इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर देता हूँ। यहाँ पर वीडियो कंप्रेस होने के लिए कुछ टाइम लग सकता है, लगभग जितने मिनट की वीडियो होगी उतना ही टाइम लगता है, लेकिन वीडियो जो क्वालिटी होगी और जो उसका साइज होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये लगभग लगभग कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पर अब हमारा ये फाइनली कंप्लीट हो चुका है। और अब हम लोग देखेंगे कि इसका जो वीडियो कंप्रेस होने के बाद आया है वो किस तरह का आया है। तो चलिए इसे चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इसे मिनिमाइज कर लेते हैं, और यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि ये मेरी कंप्रेस की हुई वीडियो है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं प्रीवियस वीडियो की साइज दिखा देता हूँ आप लोगों को, जो कि हमारा था 34.4 MB। ये हमारा प्रीवियस वीडियो था जिसको मैंने कंप्रेस किया है, और कंप्रेस करने के बाद ये हमारा वीडियो आया है। अब मैं इसका साइज आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये ओनली 10.5 MB का बचा हुआ है। ठीक है, और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। आप लोग यहाँ पर इसे प्ले करके भी देख सकते हैं, आप लोग दोनों को प्ले करके देख सकते हैं, इनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होगी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर करें और कमेंट्स करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव नाइस डे।